राइट, सो हाय गाइस, मैं हूं अरुण कुमार और आप देख रहे हो अरुण लाइव। तो दोस्तों जैसे कि मैं आप अभी खड़ा हूं पुराने नौगढ़ के पुल पर, इधर दिखाओ भाई, पुराने नौगढ़ के पुल पर। और मैं पता नहीं क्यों लोगों को अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, अभी उसको विवादित बयान सुनेंगे, लेकिन मैं जब से यहाँ पर नौगढ़ में पढ़ाई भी किया हूँ मैं, तो पढ़ाई के बाद भी इस पुल को और ये जो स्ट्रक्चर अभी जल्दी अपडेट किए हैं इसको मैं खूब अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वीडियो देखते रहिए, बाय। पत्थर है, पत्थर यहाँ से बोले कि कहाँ से बोले, जैसे काफी लोग हैं। दोस्तों मुझे तो ये नहीं पता कि आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हो, लेकिन जो भी सिद्धार्थनगर से देख रहे होंगे उनके पता होगा कि ये जगह कहाँ पे है। तो दोस्तों एक रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों आप देखे हो, ये है मूर्ति भोलेनाथ का, शिव जी का। हाँ, और यहाँ पे जैसे कि मैंने कुछ देर पहले आपको बताया है कि ये जो स्थान है ये ऑलरेडी बहुत पुराना, बहुत पहले से ही बुद्ध जी के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे बुद्ध जी की, मेरे हिसाब से या फिर जो भी नास्तिक लोग हैं वो यही सोचेंगे, या फिर जिस हिसाब से इस मूर्ति को यहाँ पे स्थापना किया गया है, वो मैं ये नहीं कि भोलेनाथ के विरोध कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि यार जो जहाँ पे है उसको वैसी रहने दो, अगर भोलेनाथ के बगल में जाके बुद्ध जी की मूर्ति लगा दें तो उनको बुरा लगेगा। तो कहीं ना कहीं ये बुद्ध जी की मूर्ति थी और बुद्ध जी का ये स्थान था, बुद्ध जी के नाम से जाना जाता था स्ट्रक्चर। यहाँ पे वहाँ पे तो बुद्ध जी का कोई मूर्ति नहीं है, आगे से लेके सिर्फ एक मूर्ति वहाँ पे, जो क्या बोलते हैं वहाँ तिराहे पे, वो भी देखो आप जूम करके दिखाओ भाई, वहाँ पे लाइट भी नहीं जल रहा है, ठीक ना, ये है। तो वहाँ पे जो है लाइट भी नहीं चल रहा है, और ये है बुद्ध जी, ये है भोलेनाथ। हम भोलेनाथ का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम भी हिंदू ही हैं, लेकिन मैं जो गलत है वो गलत है भाई, क्योंकि ये बुद्ध जी के नाम से जाना जाता था और यहाँ पे बुद्ध जी की मूर्तियों का स्थापना करना चाहिए। बुद्ध जी का पूरे वर्ल्ड में पॉपुलरिटी है। सॉरी, मैं हूँ अरुण कुमार, आप देख रहे हैं अरुण लाइव। वहाँ पे जो मैं बताया हूँ कि वहाँ पे बुद्ध जी की मूर्ति है, वहाँ पे बुद्ध जी की मूर्ति है लेकिन वहाँ पे लाइट नहीं जल रहे हैं। यहाँ पे ये भोलेनाथ का मूर्ति है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट है और तमाम चीज़ें हैं। भाई हमारे साथ में हमारे दोस्त, क्या नाम है भाई, मतलब हमारा मित्र है, वो मित्र ही है हमारा, रंजीत भाई। और ये तुम्हारा क्या नाम है भाई? सोनू है। हाँ, चल हम तो कोई भैया नीचे वहाँ जाए नहीं यार, थोड़ा सा पैर है। बन गया